तो भाई क्या आप लोगों ने मार्वल की रिसेंटली रिलीज हुई सीरीज इको को देखा है? अगर नहीं देखा है तो भी स्वागत है आज की इस वीडियो में। वेल, कोई भी मार्वल मूवी हो या फिर हो सीरीज, हम उसमें यही ढूंढते हैं कि इसका एवेंजर्स की पीछे वाली मूवी से क्या कनेक्शन है। तो कहानी की शुरुआत होती है माया के पूर्वजों से, जो कि एक आदिवासी थे, लेकिन उनमें एक खास तरह की सुपर पावर थी जिससे कि वो किसी को भी हील कर सकते थे और इसे सुपर स्ट्रेंथ भी मिल जाती है। माया को हमने पहली बार हॉकाई सीरीज में देखा था, जिसके डैड को मारकर किंग पिन उसे अपनी तरह बनाता है, अपने गैर कानूनी कामों में एक वेपन की तरह उसे यूज करता है। और जब उससे वो सारी सच्चाई पता चल जाती है तब वो वहां से भाग जाती है और किंग पिन के खिलाफ लड़ना शुरू कर देती है। सीरीज के टोटल 5 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड में फाइट सीन्स है, क्योंकि एडल्ट लेवल के हैं, इसलिए ये आपको जरा भी बोर करने नहीं वाली है। वैसे बचपन में एक कार एक्सीडेंट में वो अपनी माँ और अपना एक पैर खो देती है, लेकिन इसको उसने अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाई है। सारे फाइट सीन्स में आपको जरा भी महसूस नहीं होगा कि वो फिजिकली डिसेबल्ड है। और हाँ, इससे शी हल्क सीरीज से कंपेयर मत करना। वेल, तुम लोगों की बात जानकर हैरानी होगी कि माया रियल लाइफ में भी सुन और बोल नहीं सकती। अगर हम उसकी पावर्स की बात करें तो उसके पास है सुपर स्ट्रेंथ, हीलिंग एबिलिटी, और वो उस सुपर स्ट्रेंथ को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकती है। और भाई, 2 से 3 बार मैंने इसे देखा है, लेकिन एक भी हिडन डिटेल नहीं ढूंढ पाया। तो अगर आपको कोई मिला तो कमेंट जरूर करना। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दो।